नाग, नागिन, आज तुम दोनों के कारण मेरी वर्षों की तपस्या भंग हो गई। आज पूर्णमासी की रात मेरा ईश्वर से मिलन निश्चित था, जिसे तुम दोनों ने खंडित कर दिया है। इच्छाधारी नाग, मैं तुझे श्राप देता हूं। जिस नागिन से तू अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है, आज सूर्यास्त के समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। तू अकेले ही जिएगा और तेरा जीवन तेरे लिए श्राप बन जाएगा। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, अगर हमें मालूम होता कि आप अपनी तपस्या में यहां लीन हैं, हम यहां भूल से भी नहीं आते महाराज, हम यहां भूल से भी नहीं आते। ये भूल नहीं, अपराध है और अपराधी को दंड मिलना निश्चित है, केवल दंड। हमें ऐसा दंड मत दीजिए महाराज, आप साधु हैं, कृपा और क्षमा करना आपका स्वभाव है, हम पर दया कीजिए और हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। असंभव, जिस तरह धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आ सकता, जिस तरह चिता जलने के बाद मनुष्य जीवित नहीं हो सकता, उसी तरह से मेरा दिया हुआ श्राप भी वापस नहीं लौट सकता। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, प्रेम में तो ईश्वर का वास होता है। हमें एक दूसरे से अलग मत कीजिए महाराज, हमें एक दूसरे से अलग मत कीजिए। अनजाने में जो हमसे भूल हो गई है उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, पर हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। इस तपस्वी का श्राप अटल है, अटल है, अटल है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश भी इस तपस्वी के श्राप को नहीं बदल सकते। नहीं महाराज नहीं, अगर आपका श्राप अटल है तो हम भी निर्णय ले चुके हैं कि या तो आप हमें क्षमा करेंगे या फिर इन पत्थरों पे अपना माथा पटक पटक कर हम अपने प्राण दे देंगे। महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमें क्षमा कीजिए, हमें दया कीजिए, हमें कृपा करें, हमें माफ कर दीजिए, हमें क्षमा कीजिए, हमें दया कीजिए, हमें क्षमा कीजिए, हमें माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। रुक जाओ, अपना श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम्हें एक मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन वो मार्ग बहुत कठिन है। मैं संसार के किसी भी मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूं महाराज। वसुंधरा, नहीं वसुंधरा, वसुंधरा मुझे छोड़ के मत जाओ, वसुंधरा, 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 वसुंधरा तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वसुंधरा, वसुंधरा, वसुंधरा मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। वसुंधरा तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वसुंधरा नहीं, वसुंधरा, वसुंधरा तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वसुंधरा नहीं, तुम्हें अपनी वसुंधरा को पाने के लिए बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी बालक। मैं अपनी वसुंधरा को पाने के लिए सदियों प्रतीक्षा कर सकता हूं। तो सुनो, वसुंधरा का जन्म 21वीं सदी में एक कन्या के रूप में ही होगा और उसी जन्म में तुम दोनों का प्रेम अमर हो जाएगा। मैं इस संसार में अपनी वसुंधरा के अलावा किसी को नहीं देखना चाहता। आप मेरी ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि जब भी देखूं अपनी वसुंधरा को ही देखूं। आज से इस बरगद में ही तुम्हारा वास होगा और 21वीं सदी में वसुंधरा के पुकारने के बाद ही तुम इस बरगद से बाहर आओगे। सदियों की तेरी ये प्रतीक्षा ही तेरे लिए वरदान होगी और तुझ में ऐसी अद्भुत शक्तियां आ जाएंगी कि तुझ पे विजय प्राप्त करना असंभव होगा। परंतु तेरी पराजय केवल उस मनुष्य के हाथों होगी जिसमें ईश्वर की दी हुई दिव्य शक्तियां होंगी। जाओ प्रवेश करो।
दिव्या, देखो हम यहाँ सब तुम्हारे दोस्त हैं, ये तुम्हारे साथी हैं। तुम जहां भी हो चली आओ दिव्या। आ जाओ दिव्या, आओ, आओ दिव्या, आओ, आ जाओ दिव्या। तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? दिव्या, तुम्हारे गुनेगार राजेश और मदन थे, तुमने उनको मार डाला। अब्दुल और विक्टर का क्या कसूर था? उन्हें तुमने क्यों मारा? इनमें से कोई मासूम नहीं है, ये सब के सब मेरे बर्बादी के जिम्मेदार हैं। ये बार बार इल्जाम लगाकर तुम साबित क्या करना चाहती हो? क्या तुमने मुझे नागदा फोर्ट आने के लिए इन्वाइट नहीं किया था? हाँ किया था तो? और जब मैंने इनकार करने के लिए तुम्हें दोबारा फोन किया, तब किस मुंह से कहा था कि अगर तुम साथ नहीं चलोगी तो प्रोग्राम कैंसिल? देखो, तुम्हारा ना मेरे घर कोई फोन आया था, ना ही मेरी तुम्हारी कोई बातचीत हुई थी। अब तो विजय तुम भी यही कहोगे कि 11 बजे की जगह 10 बजे आने के लिए तुमने नहीं कहा था। लगता पागलपन में तुमने आत्महत्या की है, इसलिए तुम्हारे मन में जो कुछ भी आ रहा है तुम भक्ति जा रही हो। और अशोक, तुम तो अपनी नई गाड़ी भेजने वाले थे मुझे लेने के लिए, क्या तो ये भी झूठ है? ये नई गाड़ी की कहानी तो मेरी समझ से बाहर है। सच तो ये है, उस दिन तुम सब ने मिलके एक प्लान बना के मुझे जाल में फंसाया, आज फिर तुम सब मिलके मुझे झूठा साबित करना चाहते हो। किसी ने तुम्हारे खिलाफ कोई प्लान नहीं बनाया दिव्या, ये प्लान, ये जाल, ये सब तुम्हारे अपने दिमाग की उपज है। दिव्या, अरे ये तो सोचो कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके किसी को क्या मिलेगा। हम लोग रिश्तों की इज्जत करना जानते हैं, इज्जत से खेलना नहीं। तुम लोगों के चिल्लाने से तुम्हारे गुनाह कम नहीं होंगे, याद रखना तुम सबको हम एक एक करके तड़पा तड़पा के मारेंगे। Now you go to hell. मैं क्या गोली से मरती है? अब मैं लाख चाहूंगा तब भी दिव्या को नहीं बुला सकता। So what, sir? मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है, और वैसे भी मैं ये आत्मा से नहीं डरता। सर, अतुल की बात से मुझे एक बात याद आई। आपको याद है पिछले साल एनुअल फंक्शन में राजेश ने अपने सारे दोस्तों की किस तरह मिमिक्री की थी? मुझे लगता है राजेश ने सबकी आवाजें निकाल कर ये घिनौना खेल खेला होगा। सशी में भी राइट, क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग बैठ के घर पे प्रोग्राम बना रहे थे उस टाइम राजेश किसी से बात कर रहा था, और मेरे पूछने पर मदर ने जवाब दिया था कि वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है और उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। बल्कि प्रोग्राम के दिन दोनों में से किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं आई थी। मुझे यकीन हो गया है कि तुम लोग सभी बेकसूर हो। अब इन सबकी जान आपके हाथ में है सर, इन सबको बचा लीजिए सर, प्लीज कुछ कीजिए सर। गॉड कैन सेव मी। आत्मा से बड़ी ताकत परमात्मा की होती है, वहीं से हर ताकत जन्म लेती है और वहीं पर जाकर खत्म होती है। जब तक ये लॉकेट तुम लोगों के गले में पड़ा रहेगा, तब तक कोई भी नाग या इच्छाधारी सांप तुम लोगों का बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। सॉरी सर, मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं रखता, प्लीज। अतुल सर, आप ये लॉकेट मुझे दीजिए। मैं राजू का रूप लेके विजय को उसी बॉक्सिंग रिंग में बड़ी आसानी से मार सकता था वसुंधरा, लेकिन तुमने मुझे रोका क्यों? इसलिए कि विजय वो शख्स है जिसने मुझे 11 बजे की जगह 10 बजे नागदा फोर्ट बुलाया, जहां मेरी बर्बादी हुई, वही सबसे बड़ा विश्वासघाती है, इसलिए उसे सिर्फ मैं मानना चाहती हूँ, सिर्फ मैं मानना चाहती हूँ। विजय, मैंने वो लॉकेट ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे कहीं खो गया है। तुम अपना वर्कआउट खत्म करो, उसके बाद तुम और मैं दोनों जाके प्रिंसिपल से दूसरा लॉकेट ले लेंगे। कोई बात नहीं, चैंपियनशिप मैंने दुनिया के लिए जीता है, लेकिन मेरा असली दुश्मन अभी भी जिंदा है। मैं उसे हराना नहीं, मारना चाहता हूँ। आई विल किल दैट बास्टर्ड। भगवान करे कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। कहाँ जा रहे हो विजय? क्या हो प्रीति, चोर तो नहीं आई? कुछ नहीं, प्लीज
यू गो अहेड। विजय कहाँ जा रहे हो? रुको विजय, क्या हुआ तुम्हें? कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। डाय इतनी घबरा क्यों हो? अच्छा वो तू आ गई। विवेक हॉस्पिटल में है, उसे किसी ने मारने की कोशिश की। तू जाकर पता करना। अब तो तुम समझ चुके हो मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। लेकिन ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? करण, मुझे धोखे से बुला के मेरी इज्जत लूटी गई। मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। नहीं दिव्या, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। क्या मेरे प्यार पे तुम्हें भरोसा नहीं था? क्या मेरे प्यार की हद सिर्फ तुम्हारे जिस्म तक है? नहीं दिव्या, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मुझे सिर्फ उन हराम खोरों का पता बता दे, मैं सबको जान से मार दूंगा। उनमें से 6 को तो मुक्ति दे दी है मैंने, अब सिर्फ 1 बचा है और वो है तुम्हारा भाई विवेक। कैसी बातें कर रही हो दिव्या, वो तो तुम्हारे साथ मजाक भी नहीं कर सकता। मजाक करता तो मैं उसे माफ कर देती, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत गंदा खिलवाड़ किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो अच्छी तरह से जानता है कि तुम उसकी होने वाली भाभी हो और बड़ी भाभी माँ समान होती है। मेरा भाई सपने में भी ऐसा सोच नहीं सकता। सगा भाई नहीं कर सकता, मगर सौतेला जरूर कर सकता है और उसे मैं खत्म कर दूंगी। दिव्या।